होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको एक बार रिवाइज कर दूं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इन 30,40 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली, 30,40 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। ए कोमा बी और सी एक काम को क्रम से 30,40 एवं 24 दिनों में कर सकते हैं, 30,40 एवं 24 दिनों में कर सकते हैं। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, बट आफ्टर 4 डेज, बट आफ्टर 4 डेज सी लेफ्ट द वर्क, परंतु 4 दिनों के बाद सी ने काम करना छोड़ दिया, परंतु 4 दिनों के बाद सी ने काम करना छोड़ दिया। वाइल बी लेफ्ट 2 days before, 2 days before the completion of work, 2 days before the completion of work, जबकि बी ने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बिल्कुल डिट्टो कल वाला क्वेश्चन है बच्चे, मैंने सिर्फ नंबर्स बदले हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। एक बार सब लोग फिर दोबारा से सुन लीजिए बेटा, ए कितने दिन में 30, बी कितने दिन में 40 और सी कितने दिन में 24। अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो आई थिंक कितना आएगा, 120। चलो भाई भाग दे दो, एफिशिएंसी बन जाए 4, 3 और 5। अब पेन मन चलाओ यहां से, सब लोग जानते हैं वो भी पेन ना चलाएं, और जो नहीं जानते तो वो पेन चला कैसे लेंगे। तो सुनो बात को, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद सी काम छोड़कर चला गया। बालक कौन चला गया? और जिसके साथ आफ्टर आएगा वो हटेगा, क्योंकि वो घटेगा। बेटा कल से मैं चिल्ला रहा हूं, कल मैं एक ही बात कह रहा था कि जो घटेगा वो हटेगा। जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, उतनी जल्दी इस क्वेश्चन पे महारत मिल जाएगी तुमको। तो बताइए किसके साथ आफ्टर आया है? सी के। और कितना आफ्टर आया है? 4। तो सबसे पहले 20 तो इसमें से घटा दो बच्चे, हाँ या ना? और जिसके साथ बिफोर आएगा वो जुड़ेगा। बताओ बिफोर किसके साथ आया है, कितना बिफोर, तो इसमें कितना जुड़ेगा? 6। तो क्या ये 106 हो गया? Yes, बेटा कितना हो गया? 106। और जो घटेगा वो हटेगा। तो बताओ इस तीनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम हटा रहे हैं? तो सी को हटाएंगे तो 106 डिवाइडेड बाई कौन? ए और बी। तो अगर मैं यहां 7 से डिवाइड करूंगा
तो सात से कितनी बार, सात एकम सात बची तीन, सात पंजे पैंतीस, एक बटे सात, ये आपका डायरेक्ट क्या होगा आंसर, लिख लो। तो इसका मतलब दैट वर्क कंप्लीटेड इन 15/7 days. ये मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मेरठ सेंटर से हैं या जो पालनपुर सेंटर से हैं, जिसको कोई भी डाउट आती है वो एकदम निश्चिंत होकर बच्चे पूछते रहें, सारी डाउट सॉर्ट आउट करता चलूंगा, और जहां भी कहीं किसी क्वालिटी में कमी दिखाई दे, चाहे आवाज ढंग से ना आ रही हो या दिख नहीं रहा ढंग से हो, तो भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, बस पूछते रहिएगा। तो एक स्टेप में हम इसका आंसर दे सकते हैं बिना मेहनत किए, दे सकते हैं कि नहीं? हम क्यों सोचे कि सभी कितने दिन थे, लास्ट में कौन कितने दिन था, बीच में कौन कितने दिन था? अरे ये चर्चा मैं कल कर चुका हूं, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए उस अंदाज में इस क्वेश्चन को करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा 20 से 25 सेकंड खा जाएगा, और हमें एक एक सेकंड को सजो के रखना है और बेहतर तरीके से उसको बना के रखना है। हो सकता है कि वो 20 सेकंड हमारे आगे दो क्वेश्चन बढ़ा दे। बेटा सुन पा रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन लिखिए, ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 22/1/2 and 45 days respectively, and 45 days respectively. A comma B or C एक काम को क्रम से 15.5 और 45 दिनों में कर सकते हैं, 15.5 और 45 दिनों में कर सकते हैं। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, बट ए लेफ्ट 3 days before, but A left 3 days before, while B left 2 days before the completion of work, 2 days before the completion of work. सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने, जबकि 2 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, 2 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, then find in how many days work completed, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ। बच्चे दर्शन, 22.5 को अगर मैं 45/2 लिख लूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एलसीएम करने में मेहनत कम पड़ेगी। अब मैं अगर इनका एलसीएम करूं, अब बच्चा टेंशन में आ जाता है कि सर फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन आ गई तो एलसीएम कैसे करेंगे? अरे फ्रैक्शन की फिक्र कर मत, फ्रैक्शन की सोच ही मत। ये कितना लिखा है 15, ये कितना लिखा है 45, और अगर फ्रैक्शन आई है तो सिर्फ उसका न्यूमरेटर उठा लो, तो बताओ हम किसका एलसीएम करेंगे, 15, 45, 45, तो बताओ एलसीएम कितना होगा, 45। बेटा हाय ना,
डिवाइड करो कितना, बोलो तीन, कितना दो, कितना एक। अब इस क्वेश्चन में आफ्टर आया ही नहीं है, आप सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस क्वेश्चन में ये आया है कि उसने इतने दिन बाद छोड़ दिया, नहीं आया। इसका मतलब जब आफ्टर आएगा ही नहीं तो ना तो कोई घटेगा और ना कोई हटेगा। इसका मतलब बिफोर आया है तो हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो आफ्टर के केस में घटता है और बिफोर के केस में जुड़ता है। तो बताओ एक कितने दिन पहले, तो कितना जोड़ दूं इसमें, नौ। देखो साथ ही साथ बच्चे लिखते हैं, ये बड़ा दुख पहुंचाता है, कल भी इस पर चर्चा हो चुकी है। देखो एक चीज समझ लो बेटा, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हो सकता, मैं चाहता हूं कि यार पढ़ लो सीख लो, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास जब तक चले आप हर मोमेंट पर चीजें सीख रहे हो। क्योंकि बहुत सारे टीचर दुनिया में ऐसे जो पढ़ा तो सकते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते, और मेरी सोच है कि मैं बच्चों को सिखाऊं। अब तुम कॉपी पर छापना स्टार्ट कर दोगे तो इससे होना कुछ नहीं। अरे छापना है तो इधर छापो, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही जाएगा, कॉपी नहीं जाएगी। पहले अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को क्लियर समझो, उसके बाद लिखने का जितना टाइम चाहिए आप मुझसे ले लो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अरे यार हम एक क्लास में अगर 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहां 10 ही पढ़ लेंगे, लेकिन 10 ऐसे पढ़ेंगे कि जिंदगी की अंतिम सांस तक हम कभी भूल ना जाए। क्यों नहीं ऐसी क्वालिटी एजुकेशन पढ़ने का प्रयास करते हो? अंधी दौड़ भीड़ लगी पड़ी है, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, नहीं काम चलेगा। पता है बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, कि जैसे ही वो इस एग्जाम में आ रहा है, इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो तुरंत टेंशन में आ जा रहा है। वो चाह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन करूं स्पीड में करूं, कोई भी क्वेश्चन करूं स्पीड में करूं। अरे एक बात बता भाई, जिन गलियों को तूने कभी देखा ही नहीं और रात में तू किसी को लेके भागेगा तो सर फूटेगा अलग और मार पड़ेगी अलग। पहले तो गलियों का मुआयना कर लो, देख लो कहां लेफ्ट कहां राइट करना है, कहां भागना है, कैसे निकलना है। जब पूरी जानकारी हो जाए तब जो मनाए वो करो, क्योंकि स्पीड में भागोगे तुम्हें पता है कहां मुड़ना है, कहां गिरना है, कहां जंप मारनी है। और जब यू आर नॉट अवेयर द वे तो आप का तो गिरना तय है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे की ये सोच बन रखी है, सारे स्टूडेंट जैसे ही आते हैं वो उनकी होड़ लग जाती है कोई क्वेश्चन जल्दी कैसे करें। अरे पहले सीख तो ले, अरे पहले जानता है नहीं, जल्दी की पढ़िए, पहले कम से कम उस क्वेश्चन को समझो, उसकी फीलिंग्स की कद्र करो। जब एक बार वो समझ में आए फिर प्रहार करो। अरे हम इसी क्वेश्चन की बात करें, इसको हम विधिवत रूप से समझाए थे कि नहीं, उसके बाद प्रहार करना भी बता दिया। अरे हम हैं तो आप टेंशन क्यों लेते हो, एक बार टीचर को अपना देने तो दो, छापना स्टार्ट कर देंगे, आया लिखना मत बता दिया, कोई नहीं लिखेगा जब तक ना कहा जाए, अदरवाइज योर पेन एंड कॉपी बोथ विल बी कन्फिस्केटेड। यू नो व्हाट कन्फिस्केटेड, वैसे मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, सीज का सिनोनिमस होता है, सीज माने क्या होता है, ऐड क्या होता है, जब्त कर लेना, और कन्फिस्केटेड माने जब्त कर लेना, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जहां तक मुझे लगता है, बाकी जो इंग्लिश जानने वाले हैं वो बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है सीज माने इज्जत से जब्त कर लेना, और कन्फिस्केटेड माने बेइज्जती करके जब्त कर लेना। सो यार पेन एंड कॉपी विल बी कन्फिस्केटेड, अब सोच लेना। इधर सुनो, बताओ तीन दिन पहले किसने छोड़ा, तो यहां नौ जोड़ दिया। दो दिन या चार दिन, दो दिन पहले किसने, बी ने या सी ने, तो इसमें कितना जोड़ दें, चार। बेटा हाँ है ना, तो आई थिंक ये 58 हो गया। अब बताओ इसको मैं सभी से डिवाइड करूंगा या किन्हीं दो से, क्योंकि जब घटा ही नहीं तो हटा ही नहीं, तो सभी की क्षमता कितनी है, छह।
तो यहीं से मैं इसको कहूंगा 29/3। तो बेटा ये क्या बन गया, 9/2/3 लिख लो। अब आराम से लिख लो, बढ़िया से लिख लो। जब सिर्फ बिफोर बिफोर आएगा तो जुड़ता जाएगा, जब आफ्टर बिफोर आएगा तो घटकर जुड़ता जाएगा। ये गलती कभी करना ही नहीं है, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से होगा। और आफ्टर बिफोर के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। लिख लिया सभी ने बेटा? अब स्टेप आगे लूं? चल एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे A, B and C। बेटा जहां मैं ABC बोल रहा हूं वहां राम श्याम गीता कुछ भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, तो एबीसी को कोई प्रॉपर नाउन की तरह ही डील करिएगा। इसको लिखेंगे A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 24 and 36 days रेस्पेक्टिवली। 12, 24 एंड 36 days रेस्पेक्टिवली। A, B और C एक काम को क्रम से 12, 24 and 36 दिनों में कर सकते हैं। 12, 24 and 36 दिनों में कर सकते हैं। ऑल टूगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। नेक्स्ट आफ्टर फोर डेज बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। और अगले चार दिनों के बाद बी ने भी काम करना छोड़ दिया। देन द रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाई सी इन 15 days। देन द रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाई सी इन 15 days। तो शेष कार्य सी ने 15 दिनों में पूरा कर दिया। 15 दिनों में पूरा कर दिया। देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। बेटा जो कह रहे हैं वो ही लिखो। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, तो बी ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ा। तो बी ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ा। बच्चे ध्यान से सुनना सब लोग, एक बार ही लिखना छोड़ दो सब लोग और बात को समझो। एक्चुअली में जो जैसे मैंने बोला ना कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आने लगा कि सर गलत बोल रहे हैं, ये बोलना चाहिए सर को।
बेटा ये बोलना चाहिए ना, ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन आता था, आजकल उसने इसी भाषा में थोड़ा सा जोड़ दिया। वो अब ए का नहीं पूछ रहा, अब वो किसका पूछ रहा है, बी का, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बी का तभी बता सकता है जब ये ए का भी बता दे। तो इससे एक पंथ दो काज हुए जा रहे हैं, इससे ए का भी पता चल जा रहा है और बी का भी पता चल जा रहा है, और ये भी पता चल जा रहा है कि कितना दिमाग यूज कर लेता है, और ये भी पता चल जा रहा है ये कितना चौकन्ना है। हो सकता है वहां पर ए वाले कोई टिक मार के निकल ले। अब कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर दे तो रखा है कि बी ने 4 दिन बाद छोड़ा। बेटा ऐसा आप पढ़ रहे हो, ऐसा दे नहीं रखा उसने, ऐसा दे रखा है बी ने अगले 4 दिन बाद छोड़ा। बी ने अगले 4 दिन बाद, बी ये नहीं लिख रहा है उसमें बी ने 4 दिन बाद छोड़ा। क्योंकि कुछ बच्चे तो यही सोच रहे हैं यार बी का दे तो रखा है। बेटा बी ने छोड़ा है ए के छोड़ने के 4 दिन बाद, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डेज ऑफ ए। पहले आप यह पता करो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, और अगर वो पता लग गया तो उसी में 4 दिन जोड़ दो तो वो किसके हो जाएंगे, बी के। अरे बच्चे हाँ या ना, तो चलो स्पीड में आओ। ए कितने दिन, 12, बी कितने दिन, 24, सी कितने दिन, 36। क्या एलसीएम 72 हो गया, यहां पर 6 और यहां पर 3 और यहां पर 2। बेटा यहां तक सब ओके है ना, बेटा बोलो तो सही है। अब हमको यह नहीं पता कि सभी ने तो काम स्टार्ट किया, और सभी ने किया तो हम 11 लिख भी लें, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि सभी ने 11 के हिसाब से कितने दिन काम किया, तो उस 11 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए टाइम एट वर्क का क्वेश्चन जब भी मिले तो जेंटलमैन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या चीज तुमको पकड़ में आ रही है उसको पकड़ लो पहले। तीनों ने कितने दिन किया यह पता ही नहीं, छोड़े इसको। बी और सी ने कितने दिन किया, 4 दिन, ये कंफर्म है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे तुम। जब तीन, अरे इधर देखो सब, तुम्हें कसम धरती मां की, इधर देखो सब, इधर देखो, अपना दिमाग मन चलाइए। सभी ने कितने दिन काम किया नहीं पता, जैसे ही ए छोड़ के गया तो रह कौन कौन गया, और ये कितने दिन साथ रहे, तो बी और सी 4 दिन साथ रही ये पता चल गया। अरे बोलो, और लास्ट में सी 15 दिन रह गया ये भी पता चल गया। तो कम से कम बी और सी के 4 दिन में कितना किया और सी ने 15 दिन में कितना किया वो हटा लो, और जैसे ही वो हट जाएगा तो वो बचेगा जिसको सभी ने मिलकर किया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो बताओ बेटा बी और सी, इसका मतलब कितना हो गया बी और सी का, 5, कितने दिन, 4, तो 20 हो गया। अरे बोलो, अच्छा, और सी कितने दिन, 15, तो 2 के हिसाब से 15 दिन में कितना, 30। तो बेटा 20 इधर 30 इधर, तो कितना हो गया, और टोटल कितना बचा, कितना, 22। क्या ये 22 यूनिट काम ही होगा जिसको सबने मिलकर पूरा किया होगा? अरे बोलो ना। तो सभी का कितना यूनिट है, 11, और हम कल से चिल्ला रहे हैं कि वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग दे दो तो टाइम आ जाता है। तो बताइए ये वर्क है, ये टोटल नहीं लेकिन कुछ तो है, ये वर्क है, और इस वर्क को किससे भाग दें, एफिशिएंसी से, तो कितने दिन आए, 2। अब भी कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनेंगे, इसका मतलब ये 2 दिन कौन से हैं, ये 2 दिन वो है जिसमें सभी ने मिलकर काम किया। बेटा रिस्पॉन्स दो, और सभी ने जितने दिन मिलकर काम किया उतने दिन ही ए ने किया, क्योंकि सभी में से ए ही भागा था। क्यों क्यों भागा था, ससुराल जाना था, और कहीं जाना हो तो चेंज भी हो जाए मामला। अब ससुराल का भैया मामला बड़ा खतरनाक है, ससुराल अगर एक बार इंफॉर्मेशन हो गई तो ये समझ लो कि प्रायर है। कितने लोग शादीशुदा इसमें हाथ उठन होंगे भी तो नहीं उठाएंगे, हाँ देखिए ईमानदारी देखता हूं कितने हाथ उठन, इतनी सारी भीड़ में 2-3 नहीं है, ये बात जानते हो, पूछो भाई साहब सही कह रहा हूं, ससुराल का मामला बहुत खतरनाक होता है।
चलो इधर देखो, इसका मतलब सभी ने मिलकर कितने दिन किया? दो। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन किया? दो, क्योंकि सभी जितने दिन किए उतने ही दिन ए किया है। तो बेटा अगर वो ये पूछे ए ने कितने दिन किया तो आंसर दो। अगर वो पूछे कि बी ने कितने दिन बाद छोड़ा तो दो प्लस चार। बिल्कुल, लिखो जल्दी से। तो छह दिन बाद बी ने छोड़ दिया। Got it? Now the next. अच्छा एक चीज और पूछते हैं इसी में, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी लैंग्वेज पर। बी ने काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा? मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं इसी में इतनी है कि बी ने काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम करना छोड़ा? बोलो। और ए ने? बोलो। हाँ, सारी चीजें यही हैं। देयर इज नो नीड टू थिंक अदरवाइज। सारी चीज यही है। अगर वो इसमें यह पूछ ले काम कितने दिनों में हुआ, बिल्कुल, क्यों? दो दिन इधर के, चार दिन इधर के, छह और छह और पंद्रह 21। तो अगर वो ये पूछे इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड तो 21। एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर वो आपसे ये पूछे इन के इन हाउ मेनी डेज, सॉरी, कि एक काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ा, तो बताओ एक कितने दिन किया है? दो। और पूरा काम कितने दिन चला है? तो 19 दिन छोड़ा। अरे 19 दिन पहले भाग गया। अगर बी का पूछे तो 6 दिन पहले, तो 6 घटा दो 21 में से तो कितना? 15। इसका मतलब एक से एक क्वेश्चन सटा पड़ा है। अब वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सी बात पूछी जा रही है। अगला लिखिए, अगला प्रश्न लिखेंगे। ए कॉमा बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 20, 25 एंड 30 days रेस्पेक्टिवली, 30 days रेस्पेक्टिवली। ए कॉमा बी और सी एक काम को क्रम से 20.25 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं। 20.25 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं। ए वर्क्स फॉर अ होल टाइम, ए वर्क्स फॉर अ होल टाइम, ए पूरे समय तक कार्य करता है, ए पूरे समय तक कार्य करता है। While B and C respectively work with A in alternate days, A पूरे समय तक कार्य करता है, जबकि B और C क्रम से एक साथ एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं।
एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, वहां कभी कभी बारी बारी से और आ जाता है। उसका मतलब भी यही है, बारी बारी से करते हैं या एक एक दिन छोड़कर करते हैं, इससे लैंग्वेज से घबराने की जरूरत नहीं है। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बेटा इधर सुनो, क्वेश्चन बहुत सरल है और आंसर तो कोई नहीं देगा, ये ध्यान रखना। सब लोग इधर ध्यान दो, पहले फॉर्मल काम करो, ए कितने दिन में, बी, और बेटा सी है 30, 150 दूनी 300, एलसीएम कितना हो गया 300। बेटा भाग दो, इसमें कितना आ रहा है 15, यहां पर कितना 12, और यहां पर कितना 10। अब लैंग्वेज के साथ आना, तीनों में कौन सा ऐसा है जो हमेशा काम करता है, अच्छा बाकी बचे दो बी और सी। बी और सी कैसे काम करते हैं, एक दिन दिन छोड़कर, यानी ए के साथ बी आएगा अगले दिन सी आएगा, ए के साथ बी आएगा अगले दिन सी आएगा, यानी बी और सी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि वो ऑल्टरनेट डेज में है। किसी बच्चे के मन में यह भी आ जाता है कि सर ए के साथ आप बी को भेज रहे हो, हम तो ए के साथ पहले सी को भेजेंगे, तो बेटा वो तुम नहीं भेज सकते क्योंकि उसने रेस्पेक्टिवली लिख रखा है कि ए के साथ पहले आएगा ए, पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा सी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले दिन काम पर होगा कौन, ए अकेला होगा कि ए के साथ बी भी होगा, अरे बोलो, और दूसरे दिन कौन होगा ए के साथ सी, तीसरे दिन ए बी, चौथे दिन ए सी, पांचवें दिन ए बी, यही प्रक्रिया चलती जाए। इसका मतलब वेरी फर्स्ट डे काम पर कौन कौन है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब 27। रिस्पॉन्स नहीं आया, ए अपना काम करेगा बी अपना करेगा, 27 यूनिट एक दिन में हो जाएगा। अच्छा बेटा दूसरे दिन काम पर कौन कौन है, ए और सी, दैट इज 25। और जहां से प्रोसेस रिपीट हो जाए वहीं रुक जाओ, क्यों, हमें मालूम है कि तीसरे दिन फिर ए भी आएंगे, प्रोसेस रिपीट होगी। बालक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस क्या होगी, रिपीट। तो इसका मतलब यह कह दो कि दो डेज, टू डेज वर्क इज इक्वल टू कितना, 52। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तुम कि आखिरकार दो दिन में बेटे कितने यूनिट काम हो जा रहा है, 52, और टोटल है कितना, तो 52 में मैं किसका गुणा कर दूं कि 300 के नजदीक पहुंच जाऊं। बट रिस्पॉन्स दो, तो अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा तो ये बनेगा कितना, 260। 260 ही तो बनेगा, 260 ही बनेगा। अब किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर 6 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इसमें 6 का मल्टीपल कर देंगे तो 300 से ज्यादा चला जाएगा, और 300 से ज्यादा काम तो है ही नहीं। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो कि नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, 52 के हिसाब से 5 दिन में 260, 52 का मतलब दो दिन है, 52 का मतलब कितने दिन, और ये क्या लिखा है, 52 5 बार जुड़ रहा है। अरे मैं डे वन की क्लास में बताया था कि नथिंग इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। बताओ 52 यहां कितनी बार जुड़ रहा है, अरे बोलो, एक 52 का मतलब दो दिन है, तो 5 बार 52 है, तो इसका मतलब कितने दिन, 10। और जिनको रटने में ज्यादा उत्सुकता हो वो हमेशा इनका गुणा कर ले, कितने दिन, 10। इसका मतलब यह है कि 10 दिन में बेटा 260 यूनिट काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, काम बचा कितना, 40। बेटा काम कितना बचा, 40। अगले दिन नंबर किसका, ए बी का। प्रोसेस का दोबारा से स्टार्ट होना मतलब उसी व्यक्ति से स्टार्ट होना या उन्हीं व्यक्तियों से स्टार्ट होना जो पहले दिन थे।
अब प्रोसेस दोबारा से फिर स्टार्ट हो रही है कि नहीं? तो अगले दिन फिर नंबर किसका? ए बी का। तो क्या इसमें मैं 27 का भाग दे दूं? और जैसे ही मैंने इसमें 27 का भाग दिया, सोच लो बर्बाद हो गए, कोई बचा नहीं सकता। और बहुत सारे टीचर्स यही काम करके निकल जा रहे हैं, और एसएससी जानबूझ के एक ऑप्शन ऐसा रख भी रही है कि जैसे ही 40 में बच्चा 27 का भाग दे तो जो आए उसको 10 में जोड़ के एक ऑप्शन बना दिया, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि ये खुरापात बहुत सोचे बैठे हैं। अरे मुझे एक बात बता, ये 27 क्या कह रहा है? पूरे दिन का काम 27 है और तुम्हारा बचा कितना है? तो इस 40 में पूरे दिन में 27 ही कर पाएंगे? अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके बाद जो बचेगा उसको करने के लिए बी और सी को बुलाया जाएगा। उसको किसको बुलाया जाएगा? ए और सी को। इसका मतलब अगला दिन आ जाएगा। तो यू आर टोटली रॉन्ग इफ यू डिवाइडेड बाई 27। सो दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बेटा तुम लोग सुन पा रहे हो? डिवाइडेड बाई 27। आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। तो अब मैं करूं क्या? 40 बचा, अगले दिन नंबर किसका? ए बी का। और पूरे दिन में कितना काम करेंगे? 27। बेटा हाँ है ना? पूरे दिन लगे रहेंगे जी जान से, 27 ही कर पाएंगे, 40 थोड़ी ना कर देंगे। अब बता बचा कितना मेरे भाई? 13। और 13 को करवाने के लिए ए बी को लगाएं या एसी को? बेटा किसको? एसी को। और एसी की क्षमता कितनी है? 25। ये बचा हुआ काम है। क्या है? काम। और काम को क्षमता से भाग दे दें तो टाइम बनता है। तो बताइए 13 डिवाइडेड बाई कितना? 25। ये क्या बन गया? टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार काम हुआ कितने दिन में? बेटा 10 दिन इधर के, एक दिन इधर का, 11। आंसर होगा 11 सही 13/25। लिख लो बिल्कुल। सो द वर्क कंप्लीट्स इन 11/13/25। ये मेरिट वाले बच्चे और ये जितने भी सेंटर्स हैं, सारे बच्चे अगर अच्छा फील हो रहा है तो उसका भी फीडबैक लिख के दो, और कहीं कोई मिस्टेक हो रही है किसी भी प्रकार की, चाहे मुझसे हो रही हो चाहे इंस्टीट्यूट से हो रही हो, उसका भी एक बार फीडबैक दो, जिससे अगली क्लास में या यहां से ही जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम निपटा सकें। थैंक यू बेटा। बेटा यहां तक क्लियर? हटा दे बच्चे। बेटा कहीं भी कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लो दोबारा से, अगर मन है। सबका सीन क्लियर एकदम? चल अगला लिखिए। हटा दूं? अगला प्रश्न लिखेंगे। ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20.30 and 40 days respectively. 20.30 and 40 days respectively.
ए कोमा बी और सी एक काम को क्रम से 20.30 एवं 40 दिनों में कर सकते हैं। 20.30 एवं 40 दिनों में कर सकते हैं। सी वर्क्स फॉर होल टाइम, सी वर्क्स फॉर होल टाइम, सी पूरे समय तक कार्य करता है, सी पूरे समय तक कार्य करता है। व्हाइल एंड बी टुगेदर वर्क विद सी इन एवरी थर्ड डे, जबकि ए और बी मिलकर, जबकि ए और बी मिलकर प्रत्येक तीसरे दिन सी के साथ काम करते हैं, सी के साथ काम करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बेटा सुनो, एक चीज सुनो, कोई आंसर नहीं दे पहले, इससे दूसरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको आता है सो गुड सो फार, बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन सहयोग के तौर पे दूसरों को थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिएगा। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, ए कितने दिन में है, बी और सी बताओ टोटल काम 120, क्षमताएं बोलो 6, 4, 3, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, देखिए हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को फोकस करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है सी ऐसा बंदा है जो लगातार काम करता रहता है, जब ए और बी ऐसे हैं जो मिलकर इकट्ठे तीसरे दिन आते हैं सी के साथ। इसका मतलब यहां से एकदम सीन क्लियर हो गया कि पहले दिन अकेला सी काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला सी काम करेगा, और तीसरे दिन सी के साथ कौन आ जाएगा, ए और बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन सभी काम करेंगे, उसके बाद चौथे दिन फिर सी, पांचवें दिन फिर सी, छठवें दिन और, सातवें दिन फिर सी। आपको क्वेश्चन का सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब बिल्कुल लिखेंगे पहले दिन ओनली सी, हाउ मच 3, दूसरे दिन कौन सी, हाउ मच 3 बेटा, तीसरे दिन कौन ए बी सी, और ए बी सी का कितना है 13 बेटा, ठीक है ना? अरे ए बी का कितना है 13, अरे सबका कितना है 6, 4, 10 और 3, 13। बताइए क्या यहां से प्रोसेस रिपीट हो रही है? प्रोसेस रिपीट हो रही है कि नहीं? तो क्या मैं ये कह दूं 3 days वर्क इज इक्वल टू 21 और 90, कितना 90 बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 दिन में 19 यूनिट काम हो रहा है, तो 19 में किसका मल्टीपल कर दूं कि 120 के नजदीक पहुंच जाऊं? तो जैसे ही मैं यहां 6 का गुणा करूंगा, दिन कितने बनेंगे बेटा 18। इसका मतलब 18 दिन में कितने यूनिट काम, 114। अरे रिस्पॉन्स तो करो भाई, बेटा कितना काम 114, बचा कितना 6। अगले दिन नंबर किसका, सी का, तो इसका मतलब अगले दिन इसमें से सी कर देगा। फिर अगले दिन नंबर किसका, सी का, क्या बताइए समाप्त तो हो गया? अगर कुछ और बचता तो अगले दिन नंबर किसका, सभी का। बेटा सही कह रहा हूं? बताओ इधर कितने दिन, 18, 18 एक और एक, दैट्स इट, लिख लो 20 दिन में होगा। हाँ बेटा, ये टेक्निकल इशू की वजह से जो आपका क्वेश्चन छूटा है, एक बार बताओगे उसको कौन सा क्वेश्चन है आज का, एक बार उसको बताना, मैं कोशिश करता हूं। ये मेरिट वाले बच्चे,
बेटा क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक काम और करो आप लोग, थोड़ा सा आपको और सहायता करूं या जितने भी सेंटर्स पे बच्चे बैठे हैं सबके लिए कर दूं। देखिए आज हम जो क्लास कर रहे हैं इसी से जुड़कर क्लास चलेगी अगली, यानी इसके बाद अगली वाली क्लास एक सीक्वेंस में होगी। अब जो बच्चे कल एबसेंट हो गए, क्यों, कल हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, हम कल खूब बताए एलसीएम क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये कल हम अच्छे से समझाए हैं कि नहीं? तो कल वाला बच्चा जो यहां होगा वो आज कतई दिक्कत फील कर नहीं रहा होगा, और जो कल वाला नहीं है, जो आज डायरेक्ट आया है, चाहे वो कहीं कितने भी सेंटर्स पे बैठा हो, हालांकि मेरा प्रयास ये रह रहा है कि वो कल नहीं भी हो तो भी आज समझ ले, और उम्मीद है समझ आ रहा होगा उसको। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग वो काम करिए कि जिसमें गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाए, क्योंकि सेंटर से जो भी क्वेरी आ रही है मैं उनको नोटिस कर रहा हूं, उसका रीजन यही है कि डिस्क्रिपेंसी हो रही है। बच्चे एक चीज समझ लो, सबसे पहले मैं बता दूं, आम डॉक्टर SBS यादव और मैथमेटिक्स को लेकर कोई भी क्वेरी आती है आप यहां पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, या हो सके तो मुझे फेसबुक या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे आप मैसेज कर दो, लेकिन टाइमिंग ध्यान रखना। पहले सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा माध्यम दे रहा हूं जिससे हो सकता है कि आप लोग यहां मुझसे नहीं पूछ पा रहे हो, तो कोई ऐसी दिक्कत है कि जो आप नहीं पूछ पा रहे हो मुझसे, और क्लास में घर पे पढ़ रहे हो क्लास से बाहर जाके तो दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, जिससे होगा ये कि अगली क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर लूंगा, ठीक है? सबसे पहले मुझे फेसबुक पर आप फॉलो कर लो, सारे बच्चे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है, ऑलरेडी हजारों पेंडिंग में चल रही है, तो फॉलो का एक ऑप्शन आएगा उसको फॉलो कर लेना, सारे बच्चे जितने सेंटर्स पे सब लिख लो SBS यादव, डॉक्टर मत लगाना, डॉक्टर लगाने पे ढेर सारे SBS याद आते हैं, और अगर डॉक्टर ना लगाओगे तो सिर्फ मैं ही आता हूं, इसलिए मैंने आज तक फेसबुक पर डॉक्टर नहीं लगाया, क्योंकि मैं यूनिक रहना चाहता हूं, अगर इसमें से S हटाना पड़े तो भी मैं BS यादव से अकेला रह जाऊंगा। तो फेसबुक पर आप इसको चाहे गूगल पर देख लो चाहे फेसबुक पर देख लो, SBS यादव, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं शाम को 8 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, आप दिन में कितने बजे भी मैसेज कर दो मैं शाम को सारे बच्चे के सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करता हूं। मेरे पास क्लासेस इतनी ज्यादा होती हैं कि सुबह से लगातार बिजी होते हैं, तो आप यह मत समझिएगा कि जैसे ही आपने क्वेरी डाली या जैसे ही आपने मुझसे कोई क्वेश्चन डाला, बच्चा ऐसा इरिटेट करता है कभी कभी कि जैसे बच्चे ने 12 बजे क्वेश्चन पूछा कि सर वो कल ऐसा ऐसा हुआ था उसमें आपने ऐसा कैसे कर दिया था, तो अगर 10 मिनट हो गई तो बच्चा एक और मैसेज डालेगा, यार क्या बेवकूफ समझ रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, अब मुझे क्या मालूम, मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मालूम क्या चल रहा है फेसबुक पर, फिर एक और मैसेज डालेगा, हद कर दी, बता ही नहीं रहे, फिर एक और मैसेज डालेगा, बताना नहीं था तो क्यों SBS यादव फेसबुक बताया, यार भाई 12 घंटे रोज पढ़ाना, लगातार बोलते रहना, थोड़ी हमारी मुश्किल भी समझो, हम भी इंसान ही हैं, और कमाल की बात है हम भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, और थोड़े शादीशुदा इसलिए और ज्यादा हो जाते हैं, तो कम से कम भावनाओं की थोड़ी कद्र करो, समझ पा रहे हो कि नहीं? SBS यादव फेसबुक पर आप फॉलो कर जाइएगा, हाँ यादव सर भी लिखा है, हाँ इसके ब्रैकेट में यादव सर भी लिखा है, और आप इसको खोल के देखेंगे तो मैं ही तन के खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, उसी को फॉलो कर जाइएगा, ठीक है? उस पर आप मुझे मैसेज छोड़ते जाइएगा, और जितने सेंटर पे बच्चे तुम लोग भी छोड़ दिया करो मैसेज, जिससे पता रहेगा कि मुझे कितना सुधार और करना है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे अंदर यह फील है कि अगर सुधार की गुंजाइश बनी है तो सुधार होता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट्सएप नंबर थोड़ा रोक के, मुझे मालूम है किसका, तो रिएक्टिवेट कर दो उसको,
व्हाट्सएप के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक के आधार पर आपके लक्षण निर्धारित होंगे कि आपकी हरकतें क्या है, उस हिसाब से थोड़ा पर्सनलाइज होंगे। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा। हो सकता है कि एक प्रयास यह हो कि मैं एक ग्रुप बना दूं व्हाट्सएप का, जिसपे क्वेरी एक दूसरे से सॉर्ट आउट भी होते रहे, मैं भी शामिल रहूं। एक नहीं दो ग्रुप बना दूं, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग। कुछ लड़कों की तो बात से खिल गई, हो गया क्या बेटा? लड़कियां भारत में वैसे भी बहुत कम है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें रखनी है। इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ इनकी पर्सनल, यानी जो भी इनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें, वो कभी प्रभावित नहीं होनी चाहिए क्लास के माध्यम से। तो ये थोड़ा समय दो, तब तक आपकी हरकतें देख लेता हूं, उसके बाद बना देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो SBS यादव को फॉलो कर लो बच्चे, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, ए कोमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ, सी को हटा दो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12.15 डेज। ए और बी एक काम को 12.15 दिनों में कर सकते हैं, 12.15 दिनों में कर सकते हैं, वाइल सी डिस्ट्रॉयड दैट वर्क इन 10 डेज। जबकि सी उस काम को 10 दिनों में बिगाड़ सकता है, 10 दिनों में बिगाड़ सकता है, इफ they all are completed that work respectively in alternate days, यद वो सभी उस काम को क्रम से एक एक दिन छोड़कर काम करें, एक एक दिन छोड़कर काम करें, then in how many days work completed, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बेटा सारा खेल लैंग्वेज का है, एक बार इसकी भाषा को ढंग से समझना, इधर ध्यान दो। पहले वो कह रहा है उस काम को कर लो, ए कितने दिन में बेटा, बी कितने दिन में, और सी कितने दिन में बिगाड़ता है, 10। चलो कोई बात नहीं, जो करेगा वो जुड़ता है और जो बिगाड़ेगा वो घटता है। अरे आपने कुछ काम किया तो चीजें इकट्ठी हो गई, और कुछ बिगाड़ दिया तो हट गई। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल काम कितना बेटा, 60, यहां पर 5, यहां पर 4, और यहां पर -6। जैसे बिगाड़ने की बात आएगी वहां आप माइनस को लेंगे, क्योंकि 6 हट जाता है, 6 निकल जाता है, 6 कम हो जाता है, और जहां कम होने की बात होती है उसे माइनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। हाँ या ना? Yes, अब मेरी बात सुनना, ऑल्टरनेट डेज में हर एक का ऑल्टरनेट डेज, इसका मतलब रेस्पेक्टिवली कहा है, तो पहले दिन कौन, ए, दूसरे दिन कौन, बी, तीसरे दिन कौन, सी, चौथे दिन कौन, ए, यही प्रक्रिया चलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, वेरी फर्स्ट डे बेटा कौन है, ए, कितना किया, 5। बेटा ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, थोड़ा मतलब का क्वेश्चन है। दूसरे दिन कौन है, बी, कितना, 4। तीसरे दिन कौन है, सी, -6। यहां से प्रोसेस क्या हो गई, रिपीट। अब मुझे एक बात बताओ, 3 डेज
वर्क इज इक्वल टू कितना, कितना थ्री। अब यहां एक बहुत भयंकर गलती बच्चों से होनी है, मैं बता देता हूं, परेशान मत हो, कि तीन में किसका गुणा कर दे कि 60 बन जाए। जैसे आपने यहां 20 का गुणा किया तो ये बन गया 60 और 20 तीन 60, ये गलत है और ये किसी भी एंगल से गलत लग नहीं रहा। सर तीन दिन में तीन यूनिट तो 60 दिन में 60 यूनिट ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं हर एक स्टेप समझा के चलूंगा, बात को समझना पहले। आप कहोगे सर आप तो हर एक क्वेश्चन में पहले यही कर रहे थे। सुनो मैं समझाऊंगा, टेंशन लो, बीच में मत बोलो कोई। तीन दिन में कितना यूनिट हो रहा है, तीन, और तुम्हें करवाना कितना है, 60। तो फील ऐसा आ रहा है कि 60 दिन में हो जाएगा 60। जब तीन दिन में तीन तो एक दिन में एक तो 60 दिन में 60, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं है पहले सुनो, इधर सुनो मेरी बात। बेटा तीन दिन में तीन हो रहा है, लेकिन आप यह क्यों बोल रहे हो कि शुरू के दो दिन में 9 होता है। शुरू के दो दिन में कितना होता है, 9। यह बात अलग है कि तीसरे दिन 6 उसमें से बिगड़ जाता है। नहीं समझ पा रहे मेरी बात, एक बार फिर सुनो, लैंग्वेज नहीं सुनोगे दिक्कत हो जाएगी। बेटा पहले दिन कितना काम हुआ बोलो, कितना, 5। दूसरे दिन कितना, 4। दो दिन में कितना हो गया है, 9। बेटा दो दिन में कितना हो गया है, 9। दो दिन में 9 यूनिट हो गया है। यह बात अलग है कि जैसे ही तीसरा दिन आता है उसमें से 6 खराब हो जाता है। बेटा सुन रहे हो, तो इसका मतलब 3 यूनिट 3 दिन, 30 यूनिट 30 दिन, ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो बताओ 60 के पीछे कोई 3 का फैक्टर है, बोलो तो सही। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। 60 के पीछे 3 का फैक्टर, 3 का मल्टीपल कौन है, 57। अब सुनना पहले, टेंशन मत लेना, समझा दूंगा। इसका मतलब यह है कि 9 हुआ 6 बिगड़ा 3 दिन, 9 हुआ 6 बिगड़ा 3 दिन, 9 हुआ 6 बिगड़ा 3 दिन। इसका मतलब यह है कि शुरू के दो दिन में 9 होगा। शुरू के दो दिन में कितना, 9। अगर ये 60 है बेटा, कितना है ये, 60, तो 51 में मैं कितना जोड़ू कि 60 बने, 9। ध्यान से सुनना, इसको भी रोको थोड़ी देर। बेटा एक बात बता, तुम जैसे ही 51 पे पहुंचोगे, किस पे पहुंचोगे, 51 पर, अरे किस पर, वहां से अगले दिन कौन काम करेगा, ए, फिर अगले दिन कौन करेगा, हो जाएगा काम। आते हैं, अभी आते हैं, इधर सुनिए, 51 3 का मल्टीपल है कि नहीं। इसका मतलब यह है 3 यूनिट 3 दिन, 6 यूनिट 6 दिन, 10 यूनिट 10 दिन, 51 यूनिट 51 दिन। अरे रिस्पॉन्स तो करो। इसका मतलब 51 यूनिट में कितने दिन लगे, 51। अब कितना बचा है, वैसे हमको क्या कहना चाहिए, 52 यूनिट 52 दिन, 53 यूनिट 53 दिन, 54 यूनिट 54 दिन। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम पहले दिन 5 करते हैं, दूसरे दिन 4 करते हैं, तीसरे दिन 6 बिगाड़ देते हैं, यह बनता है पूरे 3 दिन में 3। इसका मतलब अगर कभी 3 दिन ना लगे तो बताओ शुरू के 2 दिन में कितना काम होगा, 9। यानी तीसरा दिन एंट्री करेगा तो ही 3 दिन में 3 होगा। अरे मुझे देखो भाई, 3 दिन अगर होंगे तो ही 3 यूनिट होगा, 2 दिन होंगे तो 9 यूनिट होगा। अरे भाई फिर आओ, फिर आओ, पता 3 दिन में 3 यूनिट कब हो रहा है, जब पूरे 3 दिन लगे। अब 3 दिन लग के 2 ही दिन लगे तो कितना यूनिट होगा, 9। तो एक काम कर, टोटल से 9 हटा ले, क्यों, ये लास्ट के 2 दिन के लिए बचा के रखेंगे। नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, ये लास्ट के कितने दिन के लिए बचा के रखेंगे, 2 दिन के लिए, क्योंकि हमें पता है ये 9 है ना, ये अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा।
तो उसके बाद जैसे ही आपने 9 घटाया कितना बचा? 51। ये देखो 3 का फैक्टर है, बिल्कुल 3 से मल्टीपल होगा ये। तो बताइए 51 में कितने दिन? 51। अरे बेटा बोलना। अब बचा कितना? अगले दिन नंबर किसका? ए का। 5 कर दिया। अगले दिन नंबर किसका? बी का। 4 कर दिया। हो गया? अरे हो गया कि नहीं? तो 51 दिन इधर और बाद में कितने दिन और लगे? 2। तो एक्चुअल में आंसर होगा 53। लिख लो। सो द वर्क कंप्लीट्स इन 53 डेज नॉट 60 डे। अरे 1, 2, 3 जुड़ गए, 3 दिन में 5 और 4, 9 से 6 गया 3। हाँ हाँ, इसलिए। एक और करवाऊंगा। तो बेटा 53 होगा और 53 पे कोई दिमाग भी नहीं लगाएगा, सब 60 मार के आएंगे 3 दिन में, 3 तो 60 दिन में 60 खत्म। उसको नहीं पता तेरा ही खेल खत्म हो गया। एक और करवाते थोड़ा फील आ जाए। एक और लिखिए, एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20.30 डेज, 20.30 डेज। ए और बी एक काम को क्रम से, ए और बी एक काम को क्रम से 20 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं, 20 एवं 30 दिनों में कर सकते हैं। While C destroyed that work In 15 days, जब किसी उस काम को 15 दिनों में बिगाड़ सकता है, 15 दिनों में बिगाड़ सकता है। एंड बी टुगेदर, या ऐसे कहो एंड बी टुगेदर, ठीक है, एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ वर्क एंड एवरी सेकेंड डे सी अलोन डिस्ट्रॉय दैट वर्क, सी अलोन डिस्ट्रॉयड दैट वर्क। ए और बी ने काम को प्रारंभ किया, ए और बी ने मिलकर काम को प्रारंभ किया और प्रत्येक दूसरे दिन सी अकेला उसे बिगाड़ता रहा, सी अकेला बिगाड़ता रहा। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बताओ बेटा। देखते हैं,
हाँ बेटा 111 कितने बच्चों का है? हाथ उठाओ, एक बार मुझे स्पीड में बोलो क्या क्या था। ए कितने दिन में, बी बेटा और सी कितने दिन में बिगाड़ता है? टोटल काम 60, 20 30 60, 30 दूनी 60 और माइनस का 4। अब मेरे साथ आओ, पहले दिन काम पर कौन? ए और बी कितना कर दिए बेटा? 5। दूसरे दिन काम पर ओनली सी, कितना बिगाड़ दिया? 4। दो दिन में कितना यूनिट? 1। अ पेन मन चलाओ कोई, नोबडी विल यूज द पेन राइट नाउ, प्लीज लिसन केयरफुली एवरीबडी, प्लीज इधर ध्यान से सुनो बेटा। आखिरकार दो दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 1। हमें मालूम है कि पहले दिन काम एक्चुअल में 5 हो रहा है, दूसरे दिन 4 उसमें से बिगड़ जा रहा है। बेटा ठीक कह रहा हूं कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल 60 है, 60 में से कितना हटा दूं? 5, क्योंकि वो अगले दिन के लिए ही हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कितने काम तक चलती रही? 55 तक। बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, इधर सुनो, 55 तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसके बाद अगले दिन नंबर किसका होगा? ए और बी का, उसे एक ही दिन लगेगा पूरा करने में। तो बताओ 55 मतलब कितने दिन? 110, क्योंकि हमें पता है एक यूनिट में दो दिन लगना है, तो 55 यूनिट में कितने? 110 दिन। अरे बेटा कितना? 110। अब काम बचा किसका कितना है? कोई कह रहा है एक बचा है, कोई कह रहा है कुछ बचा है। अब काम कितना बचा है? अगले दिन नंबर किसका? और वो पूरे दिन में कितना कर देते हैं? तो हो ही गया काम। इसका मतलब इसकी नौबत अगले दिन आएगी ही नहीं। तो बेटा जो आपका कितना काम बचा है? 5। और हमें पता है ए और बी अगले दिन में कितना कर देंगे? 5। तो आंसर 111। बिल्कुल बेटा, अब तो रिपीट हो गया, समझ आ गया होगा। चल जल्दी लिखो, पर एक और कराता हूं। थोड़ी थोड़ी जैसे ही क्लासें बढ़ेंगी, आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस का भी इंतजाम करने जा रहा हूं कि जिसमें बड़ी संख्या में आपको कुछ देखिए, आप लोग लिख लो, फिर मैं बात करता हूं आपसे। लिख लिया? जो भी आपका क्रीम क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका मुझे समझाना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और उसकी जो वैरायटीज हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी या जो भी अगल बगल वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पर प्रदान करने का प्रयास करूंगा और उसको प्रदान ही कर दूंगा। ठीक है बेटा? उससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस भी धांसु हो जाएगी और क्वेश्चन तो समझ आते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, एंड बी टुगेदर। यस, बेटा 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 मैं समझ गया, एक्चुअली 55 डेज नहीं है, 55 यूनिट है, और एक यूनिट दो दिन है, तो 55 यूनिट है। समझ आया ना? हाँ, 55 डेज नहीं है, डेज तो 110 है। अगला लिखिए, एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, कोमा बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज, जबक बी और सी मिलकर 15 दिनों में, जबक बी और सी मिलकर 15 दिनों में, एंड सी एंड ए टुगेदर वर्क दैट वर्क, एंड सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क इन 20 डेज, और सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। डाटा दोबारा से चेक कर लो,
ए बी मिलकर 12 दिन, बी सी मिलकर 15 दिन और सी और ए मिलकर 20 दिन। देन और देन करके डैश कर देना और नीचे से नंबर वन लिखना, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीटेड। नेक्स्ट नंबर टू, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीटेड। पहले में लिखेंगे सभी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, सभी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, और दूसरे में लिखेंगे ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, और तीसरा इफ ए वर्क्स हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड बी वर्क्स ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, इफ ए वर्क्स हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड बी वर्क्स ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क। हिंदी में लिख लो, अगर ए अपनी आधी क्षमता से, यदि ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी दुगनी क्षमता से काम करे, दुगनी क्षमता से काम करे तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर मैंने तीन क्वेश्चन बना लिए, कितने क्वेश्चन बना लिए बेटा, तीन। चलो मेरे साथ आओ, बोलो कितने कितने, ए कितने दिन, अच्छा ए प्लस बी कितने दिन, 12, बी प्लस सी कितने दिन, 15, और बेटा सी प्लस ए कितने दिन, 20। मुझे बताओ टोटल काम कितना, 7, 12 पंजे 15 चौके 20 30। जो फॉर्मल काम जो करना है वो कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चे पेन मन चलाना कोई, बिल्कुल भी इधर ध्यान दो। ये बताओ 5, 4 और 3 कितना हो गया, 12। एक्चुअली में ये 12 यूनिट जो हमको दिख रहा है वो सभी की टोटल एफिशिएंसी दिख रही है, और सभी नहीं है, हर एक इसमें दो दो बार आ रहा है। बेटा जवाब नहीं आ रहा, अगर यहां अकेला ए होता बी होता सी होता तो सभी का कहते, इसमें ए कितनी बार, बी सी, तो एक्चुअली में ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। तो एक्चुअल में सभी की एफिशिएंसी है कितनी, 6। बेटा सभी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। और अगर हमें एफिशिएंसी मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्योंकि वर्क को डिवाइड कर दूं। तो बताइए टोटल काम कितना, 7, सभी की एफिशिएंसी कितनी, 6, तो कितने दिन लगेंगे, 10। इसका मतलब पहला क्वेश्चन ये है, बच्चे रुक जाओ प्लीज, बेटा ये गलत बात है। टोटल काम कितना, 60। अब पूरी रिपीट करनी पड़ रही है वो चीज, फ्लो बिगड़ता है पूरा। टोटल काम कितना, 60, सभी की एफिशिएंसी कितनी, 6, तो वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे दें तो डेज बनते हैं या टाइम बनता है। तो बताइए टाइम कितना बना, 10 दिन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सभी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो बेटा सभी मिलकर कितने दिन में, 10। अरे हाँ या ना, दूसरा ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब हमारे पास ए की अकेली एफिशिएंसी होनी चाहिए, किसकी, ए की अकेली। बताओ ये 6 किनकी है, तीनों की। बेटा पीछे से भी रिस्पॉन्स करो सब लोग, ये 6 किनकी है, तीनों की। कौन कौन तीन, ए बी सी, और अगर मैं मुझे यहां से बी सी की एफिशिएंसी पता लग जाए, हटा दो तो ए की रह जाएगी, और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। बेटा बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और तीनों की 6, तो गारंटी से ए की 2 है। अरे रिस्पॉन्स तो कर दो, गारंटी से ए की कितनी है, 2। तो बताइए 60 को अगर मैं 2 से भाग दे दूं
तो किसके दिन आएंगे ये? एक ही। इसका मतलब ए अकेला उस काम को 30 दिन में बेटा कर डालेगा। yes, अरे कर डालेगा कि नहीं? yes, अब तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तीसरे में क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया यहां पर। ए की एफिशिएंसी अभी कितनी आई थी? दो। अब तो तुम्हें बी की भी पता करनी पड़ेगी। बी की भी पता करो। इधर सुनो, इधर सुनो, अरे रुक जा, इधर सुनो। तीनों की छह चाहिए किसकी? बी की। तो हटनी चाहिए किसकी? ए और सी की। और ए और सी की तीन, तो तीन हट जाए तो बी की एफिशिएंसी तीन। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए अपनी आधी क्षमता से काम करे। पहले ही बुद्धू दो ही काम कर रहा था, अब कितना करेगा? एक। और ये अपनी दुगनी क्षमता से काम करे, कितना? छह। तो बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सात। तो बताइए क्या 60 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो वही आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है? लिखो जल्दी से। क्लियर बेटा? समझ तो आ रहा है ना सबको? नाउ द नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन का ताकत बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लिखिएगा, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। वाइल बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क, वाइल बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। 16। जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग 5 डेज, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग 5 डेज, दैट ऑफ बी 7 डेज, दैट ऑफ बी 7 डेज। ए के 5 दिन और बी के 7 दिन काम करने के बाद, ए के 5 दिन और बी के 7 दिन काम करने के बाद, रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाई सी, रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाई सी इन 13 डेज। सेस कार सी ने 13 दिनों में पूरा कर दिया, सेस कार सी ने 13 दिनों में पूरा कर दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इट इंडिविजुअली, then in how many days they will complete it individually। तो वो उसी काम को अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वो उसी काम को अकेले अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक बार सब लोग लिखना छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना तुम समझ रहे हो उतना हल्का नहीं है। हल्का बना देंगे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है। बात सुनिएगा, पता ये क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में। अगर ये क्वेश्चन के अंदर ये कह दे कि सी और ए मिलकर इतने दिन में, तो क्वेश्चन की वैल्यू खत्म,
फिर तो पिछला क्वेश्चन हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? ए बी इतने दिन, बी सी इतने दिन, सी ए इतने दिन, अगर कह दिया तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया जिसको हम क्वेश्चन मानते ही नहीं है। बेटा सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो उसने ए सी या सी ए इसीलिए तो नहीं दिया कि अब तुम थोड़ा दिमाग चला के दिखाओ। बेटा ए बी के कितने दिन? 12। बी सी के कितने दिन? 16। सी ए के है ही नहीं। और वो हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये क्या मैसेज दे रहा है हमको? ये हमको ये मैसेज दे रहा है कि हमारे पास एबीसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल एफिशिएंसी होगी तो 48 इसका जो एलसीएम आएगा, वर्क आएगा, उसमें डिवाइड कर देंगे। अरे बेटा कर देंगे कि नहीं? पहले ये बताओ टोटल वर्क कितना? 48, यहां 4 और यहां पर 3। अब आपके पास ऐसी कोई मैकेनिज्म है या ऐसा कोई तरीका है कि हमें यह पता लग जाए ए की एफिशिएंसी ये होगी, बी की ये होगी और सी की ये होगी? जो डाटा हमको दे रखा है इससे हमारे पास दुनिया का कोई तरीका है ही नहीं। बेटा गुर्राओ मत, बात को समझो। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये दोनों की है, हमें नहीं पता इसमें ए की कितनी और बी की कितनी है। बी और सी की कितनी है? 3। हमें नहीं पता इसमें बी की कितनी और सी की कितनी है। और तुक्के में मानने का प्रयास भी मत करना कि गुरुजी हमने मान ली ए की होगी 3, बी की होगी 1। फिर कोई दूसरा माने बैठा है गुरुजी ए की होगी 2.5, बी की होगी 1.5। फिर कोई तीसरा माने बैठा है गुरुजी ए की होगी 2.25, बी की होगी 2.25। अरे बेटा इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अरे समझ रहे हो? इस टाइप की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? इंफिनिटी। इसका मतलब आपको बिल्कुल एक्चुअल पे आना पड़ेगा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए और व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बी एज वेल एज सी। इसीलिए उसने थोड़ी एक लाइन जोड़ दी कि जो काम हुआ है ना उसमें ए ने किया 5 दिन और बी ने किया 7 दिन और जो बच गया वो सी ने कर दिया 13 दिन में। और मैं कल से चिल्ला रहा हूं कि एफिशिएंसी, पैन मन चलाइयो बता रहा हूं, बद्दुआ दे दूंगा। हाँ खाली पेट हूं वैसे भी, अभी लगती बहुत है बद्दुआ खाली पेट। मैं कल से चिल्ला रहा हूं एफिशिएंसी और टाइम का गुणा कर दे तो क्या बनता है? वर्क। कि कितना यूनिट वर्क हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया है? बेटा ए ने कितने दिन काम किया है? 5। ए ने कितने दिन काम किया है? 5। बी ने कितने दिन काम किया है? 7। और सी ने कितने दिन काम किया है? 13। आखिरकार इन दिनों में काम पूरा हो गया। तो बताओ ए की एफिशिएंसी मैंने क्या मान ली? ए। अरे बोलो ना। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5। मैं ये काम कर दिया, ए की एफिशिएंसी ए और टाइम कितना? 5। तो ये जो 5 ने लिखा है ये 5 क्या है? ए के 5 दिन का काम। बेटा हा ये ना। और बी के 7 दिन का काम क्या होगा? 7B। और सी के 13 दिन का काम क्या होगा? 13C। क्या इसको जोड़ दूं ये टोटल वर्क होगा और ये बराबर होगा 48। यहां तक सब ओके है कि नहीं पहले ये बता। बच्चे बोलो ना। ए ने कितने दिन काम किया? 5। बी ने कितने दिन? 7। और सी ने कितने दिन? 13। बच्चे हा या ना? अब मुझे एक बात बता दो, क्या ए से बी अलग हो पा रहा है? नहीं। क्या बी से सी अलग हो पा रहा है? नहीं। तो इकट्ठा बनाओ। अब जब अलग ही नहीं हो पा रहे तो अलग कर क्यों रहे हो? एकता महान शक्ति, एकता बनी रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? सब लोग मेरे साथ रहिए। ये क्या लिखा है? 5A। और ये क्या लिखा है? 5B+2B। अच्छी बात पे तो बोलना ही नहीं है तुमको। ये क्या लिखा है? 5B+2B। क्योंकि हम चाहते हैं ए और बी इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हम घर बर्बाद करने वालों में से नहीं है। सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
क्योंकि ए और बी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 4। तो बेटा ये लिखा है 5B+2B। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 5A+B? अरे रिस्पॉन्स करो। yes, अब बताओ यहां कितना बच्चा? 2B। और ये क्या लिखा है? 2C+11C। yes, अरे हां बोलो। yes, ये कितना लिखा है? 2C+11C। तो 2C इधर से और 2B इधर से, दैट इज ट्वाइस ऑफ B+C+11C इज इक्वल टू 48। बेटा यहां तक सब मेरे साथ हो? yes, अब आगे बढ़ूं? yes, बताओ ए और बी की एफिशिएंसी 4। तो क्या मैं इसको 20 कह दूं? yes, अरे बेटा बोलना पड़ेगा। बी yes, और सी की कितनी? 3। क्या इसको 6 कह दूं? yes, तो प्लस 11C इज इक्वल टू 48। तो 26 घटाओ 11C इज इक्वल टू 22 और सी इज इक्वल टू 2। सी इज इक्वल टू 2। बेटा यहीं से कुछ संतास के पत्तों की तरह बिखर गया। हमें मालूम है सी की क्षमता कितनी है? 2। कहो 2। कितनी है? 2। तो गारंटी से इसमें सी की कितनी? 2। तो बी की कितनी? 1। और इसमें बी की कितनी? 1। तो ए की कितनी? 3। हाँ बोलना पड़ेगा बेटा। yes, बताइए क्वेश्चन के प्राण पखेरु उड़ गए कि नहीं उड़ गए? yes, तो अगर मैं 48 को 3 से भाग दे दूं किसके दिन आएंगे? ए के। 48 को 1 से भाग दे दूं किसके दिन? बी के। 48 को 2 से भाग दूं किसके दिन? सी के। सेट हो गया? yes, मिलते हैं कल।